फ्रेंड्स, इस लेसन में हम लूप के बारे में जानेंगे और स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे। हाँ, देखें, सी लैंग्वेज में इनपुट और आउटपुट को जो है वो दो तरीके से प्रोसेस किया जा सकता है, एक तो कंसोल है, दूसरा डिस्क फाइल के माध्यम से। आपके सिलेबस में जो है कंसोल के माध्यम से, कंसोल इनपुट आउटपुट के बारे में, और वो कंसोल इनपुट आउटपुट के बारे में क्वेश्चन 2020 में भी पूछा गया है। कंसोल क्या है वास्तव में? कंसोल एक ब्लैक विंडो है। कंसोल जो एक ब्लैक विंडो होती है जो कि इनपुट के समय कंपाइलर के द्वारा शो की जाती है। मतलब जैसे आप सी टेस्ट को, जब सी आप सी में कोई भी प्रोग्राम बनाते हो तो उसको आप टेस्ट करते हो कंपाइलर पर, तो कंपाइलर के जब आप कंपाइलर चलाओगे तो उस समय एक ब्लैक विंडो दिखाई जाती है, वो कंसोल है। कंसोल एक ब्लैक विंडो है और उसी विंडो से इनपुट के समय जब इनपुट करोगे कंपाइलर में तो वो शो की जाती है, और प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद जब प्रोग्राम पूरा रन हो जाएगा उसके बाद जो उसमें इनपुट आएगा वो आउटपुट आएगा, यानी जो रिजल्ट आएगा वो भी उसी विंडो पे दर्शाया जाता है, तो वो कंसोल है। तो कंसोल इनपुट आउटपुट मतलब उस विंडो पे जो इनपुट आउटपुट प्राप्त होते हैं, आप इनपुट देते हो और आउटपुट लेते हो, वो कंसोल इनपुट आउटपुट कहलाता है। इसके ऊपर जो है आपका क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। कंसोल स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो है, हमारे पास एक तो इनपुट डिवाइस है वो कीबोर्ड है और आउटपुट हमारा मॉनिटर है। अब देखें, सी कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन कौन कौन से हैं? तो एक तो स्कैन ऐप है, फंक्शन के बाद जो है हमारा ये छोटा क्वेश्चन लग के आएगा। स्कैन ऐप एक इनपुट फंक्शन है जिसका सिंटेक्स कैसे है, ऐसे स्कैन ऐप छोटा कोष्टक, यहाँ लगेगा आपका ये वाले चिन्ह लगते हैं, ये आपके कॉलन वाले, ठीक है ना, जो कोट कोट वाले होते हैं ना, कोट वाले चिन्ह वो लगेगा आपके, तो कोट वाले चिन्ह आ जाएंगे यहाँ पर, कोटेशन वाले। और यहाँ पर आप आएगा परसेंट डी, परसेंट एफ, परसेंट एल डी, परसेंट सी, मतलब जैसा आपका डेटा टाइप है, इंटीजर है तो फिर आपका डी आएगा, कैरेक्टर है तो सी आएगा, और अगर ज्यादा डिजिट है तो आपके एल डी आएगा, है ना। और आप अगर जो डेटा है वो दशमलव टाइप का है, डेसिमल है, तो आपका फ्लोट आएगा, यानी एफ आएगा, परसेंट एफ, यहाँ वेरिएबल का नाम आएगा। प्रिंट एफ, प्रिंट एफ का सिंटेक्स कैसे होगा, ये आउटपुट फंक्शन है, उसका जो सिंटेक्स है कैसे लिख सकते हैं, स्वरूप कैसा होता है वो ऐसे होता है। प्रिंट एफ, ये कोटेशन वाले चिन्ह लगाएंगे आप, इसके बीच में आप स्ट्रिंग या वेरिएबल जो भी है वो जो लिखोगे आप इसके अंदर, वही आपका कंसोल आउटपुट वाली कंसोल विंडो जो होती है आपकी उस कंसोल पे दिख जाएगा। ये दोनों फंक्शन जो है फॉर्मेटेड फंक्शन है, आप जैसे चाहे मन चाहे रूप में मतलब इनपुट दे सकते हो, और उस जैसा आप चाहोगे वैसा आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं इसमें। ये आपके फॉर्मेटेड फंक्शन है, फॉर्मेटेड फंक्शन के उदाहरण है। अब इफ स्टेटमेंट क्या है, इसका स्वरूप देखें। इफ स्टेट मतलब आप जैसे जब भी प्रोग्राम बनाएंगे तो हम उसमें स्टेटमेंट यूज करेंगे, इफ और इफ एल्स, तो वो स्टेटमेंट किस रूप में होता है, इफ का स्वरूप किस प्रकार है, इफ यहाँ एक्सप्रेशन होगा और नीचे स्टेटमेंट होगा। यदि आपका जो इफ के बाद में क्वेश्चन में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो ट्रू है तो जो नीचे स्टेटमेंट है वो आपका रन हो जाएगा, यानी वो संपादित हो जाएगा, और यदि आपका एक्सप्रेशन फाल्स है तो स्टेटमेंट आपका संपादित नहीं होगा। इफ एल्स का स्टेटमेंट का स्वरूप किस प्रकार है वो आप देखें, इफ यहाँ उसके कोष्टक में एक्सप्रेशन होगा, इसके बाद स्टेटमेंट होगा, फिर आपका ये सभी जगह, तो यहाँ सेमी कॉलन है, यहाँ भी सेमी कॉलन होगा, स्टेटमेंट वन है, यहाँ स्टेटमेंट टू है, स्टेटमेंट स्टेटमेंट वन के बाद जो आपका एल्स आएगा, एल्स के बाद आपका स्टेटमेंट टू आएगा। अब देखिए ये कैसे संपादित होता है, जब प्रोग्राम रन होगा तो कैसे होगा, यदि एक्सप्रेशन जो आपका इफ के बाद लिखा हुआ है वो सत्य है तो स्टेटमेंट हमारा एक संपादित होगा, और यदि आपका एक्सप्रेशन असत्य है जो इफ के कोष्टक में लिखा हुआ है तो आपका स्टेटमेंट टू संपादित होगा, ठीक है। अब स्विच स्टेटमेंट क्या है, आप ये जानें कि स्विच स्टेटमेंट क्या होगा। अब ये हमारे पास स्टेटमेंट है जो तीन आता है आपके सिलेबस में, एक तो एफ आता है, एक एफ एल्स आता है, और एक आपका स्विच आता है। स्विच क्या है,
लेकिन आपने जब इफ स्टेटमेंट देखा उसमें क्या हुआ कि इफ स्टेटमेंट टू वे कंडीशन है। टू वे कंडीशन कैसे, आपको दो चीजों में से एक का चयन करना होता है। लेकिन स्विच स्टेटमेंट क्या है, बहुत सारे विकल्पों में से मल्टी वे है ये, मतलब आपके पास बहुत सारे चीज है उसमें से एक का चयन करना है, तो वहां स्विच का यूज होता है। ठीक है ना भाई, आपने इफ एल्स का यूज किया कि दो स्टेटमेंट थे, अगर आपका एक्सप्रेशन सही होता तो स्टेटमेंट एक रन हो जाता, संपादित होता, नहीं तो दूसरा संपादित होता। स्विच में आपके पास बहुत सारे स्टेटमेंट है उनमें से एक आपका संपादित होता है, मतलब ये मल्टी वे कंडीशन स्टेटमेंट है, यानी इसमें कंडीशन जो है आप मल्टी है, बहुत है इसमें। तो इसका स्वरूप कैसे होगा, आपका ऊपर स्विच होगा यहाँ एक्सप्रेशन होगा, फिर केस यहाँ कोई एक्सप्रेशन होगा, केस यहाँ एक्सप्रेशन दूसरा होगा, केस यहाँ एक्सप्रेशन तीसरा होगा, और नीचे ऐसे केस जितने आपके स्टेटमेंट है उस हिसाब से। केस के बाद में यहाँ सेमी कॉलन, जो आप कॉलन है यहाँ कॉलन होगा, कॉलन के बाद में कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक आदेशी स्टेटमेंट, इसी प्रकार यहाँ एक ही आदेशी स्टेटमेंट, एक आदेशी में स्टेटमेंट, यहाँ सभी में कॉलन के बाद जो है आपका कर्ली ब्रेसेस के अंदर में एक आदेशी स्टेटमेंट होंगे। लास्ट में जो आपका यहाँ डिफॉल्ट होगा, डिफॉल्ट के बाद में आपका कॉलन का चिन्ह होगा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक या अधिक जो आपके सी स्टेटमेंट होंगे। फिर आपके यहाँ कर्ली ब्रेसेस, ये कर्ली जो ब्रेसेस हैं वो तो आपके बंद हो जाएंगे, कर्ली ब्रैकेट कहाँ, यही, लेकिन जो आपके यहाँ यहाँ ये कर्ली ब्रैकेट शुरू हुआ है वो यहाँ नीचे बंद हुआ ही है। ठीक है, ये आपका स्विच केस जो है, आपका स्विच स्टेटमेंट है, इसमें केस आपका जो एक्सप्रेशन है, देखो एक्सप्रेशन जो आपका है, एक्सप्रेशन के मान की तुलना सभी केस से की जाती है, जो आपका ये एक्सप्रेशन है इसके जो मान है उसकी तुलना इनसे की जाएगी, कौन सा ट्रू हो जाता है कौन सा, मतलब तो जहां भी ये केस मिल जाएगा, मतलब ये जो मान होगा जिस केस से मिल जाएगा उसी के आगे के जो स्टेटमेंट है उसी के जो लेवल के अनुसार स्टेटमेंट है वो आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे, संपादित हो जाएंगे। ये स्विच केस स्टेटमेंट है, ये जो कि आपके बहुत सारे इस स्टेटमेंट में से एक का चयन करने के लिए चलाया जाता है, जो यूज किया जाता है। इसके बाद है लूप। लूप क्या है, वास्तव में आप किसी भी चीज को जितनी बार चाहो उतनी बार उसे चीज को आप प्रिंट करा सकते हो, इनपुट करा सकते हो, आउटपुट मतलब जितना आप बार बार किसी चीज को चलाना चाह रहे हैं तो हम लूप लगाते हैं। तो लूप जो है हमारे आपके सिलेबस में लूप आपके तीन है, व्हाइल लूप है, डू व्हाइल लूप है और फॉर लूप है। तो देखिए व्हाइल लूप क्या है आपका, वास्तव में लूप किसी भी कार्य को बार बार करवाने के लिए यूज किया जाता है। यह लूप जो है स्टेटमेंट के मतलब कोई भी स्टेटमेंट है उसकी, चाहे कोई सा भी लूप है वो आपके किसी भी स्टेटमेंट की पुनरावृत्ति करेगा। तो चाहे आप व्हाइल लूप है, फॉर लूप है, कोई सा भी है, इनके जो स्वरूप है वो देख लें। तो देखिए व्हाइल लूप या एक्सप्रेशन होगा, एक या आधे का सी स्टेटमेंट होंगे जो है, एक या आधे सी स्टेटमेंट का ब्लॉक होगा यहाँ पूरा एक। अब देखें ये कैसे चलेगा, अगर आपका व्हाइल लूप में या एक्सप्रेशन जब तक सत्य रहेगा तब तक ये स्टेटमेंट चलता ही रहेगा, इसकी जो है पुनरावृत्ति होती रहेगी, और जैसे ही ये एक्सप्रेशन गलत हो जाएगा तो ये जो स्टेटमेंट है वो चलना बंद हो जाएगा। डू व्हाइल लूप, यह लूप बिल्कुल व्हाइल लूप की तरह ही है, पर इसमें जो कंडीशन चेक होती है, इसमें जो रिलेशनल जांच होती है वो लूप के अंत में होती है। देखें इसका स्वरूप कैसे है, यहाँ डू लिखा होगा, यहाँ कर्ली ब्रैकेट होगा, यहाँ एक या अधिक सी स्टेटमेंट का ब्लॉक होगा, सेमी कॉलन होगा, यहाँ कर्ली ब्रैकेट बंद हो जाएगा, और व्हाइल जो है वो आपको व्हाइल वो नीचे लिखा होगा, यहाँ टेस्ट एक्सप्रेशन होगा, मतलब जो जांच होती है, व्हाइल लूप में तो ऊपर हो जाती थी, यहाँ व्हाइल के साइड में, यहाँ व्हाइल में कोष्ठक में लिखा रहता है एक्सप्रेशन, वो जब तक सत्य रहता है तब तक आपका स्टेटमेंट चलता रहेगा। इसमें जो टेस्ट है वो नीचे होता है व्हाइल, यहाँ तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये स्टेटमेंट एक बार तो चल चुका होगा पहले से, यहाँ चल जाएगा एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद इसकी कंडीशन जांच होगी, मतलब इसमें कंडीशन जांच बाद में होती है, अंत में होती है। फॉर लूप क्या है, फॉर लूप देखो लूप कोई सा भी है वो आपके स्टेटमेंट की पुनरावृत्ति करेगा। तो ये क्या है, फॉर लूप एक डिटरमाइनेट लूप है, इसका मतलब ये है कि जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तब हम पता कर लेंगे कि लूप कितनी बार चलेगा,
ये इसमें पता चल गया था पहले। तो देखो फॉर लूप का स्वरूप किस प्रकार होता है। फॉर लूप में, यहाँ फॉर लूप के कोष्टक में, छोटे कोष्टक जो छोटा ब्रैकेट है उसके अंदर तीन चीजें लिखी होंगी। एक तो स्टार्ट एक्सप्रेशन हो गया, एक आपका यहाँ टेस्ट एक्सप्रेशन हो गया, यहाँ जो टेस्ट, और यहाँ एक है काउंट एक्सप्रेशन, कितनी बार काउंट, मतलब काउंट एक्सप्रेशन कहते हैं, या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी कह सकते हैं। यहाँ टेस्ट एक्सप्रेशन हुआ है, स्टार्ट एक्सप्रेशन होगा। इसके बाद जो आपका यहाँ कर्ली ब्रैकेट होगा, और उसके बाद आपके एक आधे सी स्टेटमेंट का ब्लॉक होगा, फिर आपका कर्ली ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो देखें ये जो आपका एक्सप्रेशन है, ये इसके टेस्ट, यहाँ टेस्ट होगा, और इसके बाद यहाँ, मतलब ये टेस्ट होने के बाद ये ब्लॉक चलेगा आपका। ये ब्लॉक चलने के बाद फिर वापस यहाँ आप यहाँ होंगे काउंट एक्सप्रेशन में, ठीक है। काउंट मतलब आपका जो डिक्रीमेंट होगा या इंक्रीमेंट होगा उसके हिसाब से फिर वापस यहाँ आएगा, और फिर टेस्ट भी यहाँ टेस्ट होगा। अगर आपका स्टेटमेंट जो एक्सप्रेशन वो सही है तो फिर वापस ये स्टेटमेंट चल जाएगा, नहीं तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस तरह से ये जो है आपका लूप चलता रहता है। अब देखें नेस्टिंग क्या होती है लूप की, इसका मतलब ये है कि लूप के अंदर लूप, आप लूप के अंदर लूप चला सकते हैं, इसे हम जो है लूप की नेस्टिंग कहते हैं। तो जैसे आप फोर लूप है, फोर लूप के इसका स्वरूप लें, अगर आप फोर लूप के अंदर फोर लूप चलाते हैं तो ये नेस्टिंग है, कोई सा भी लूप हो सकता है, व्हाइल लूप भी हो सकता है, तो उसके अंदर नेस्टिंग हो जाएगी अगर आप लूप के अंदर लूप लगा देंगे। तो देखें इसका स्टेटमेंट कैसे है, फोर है, इंट है, या इनिशियल जो आप हमने प्रारंभिक स्टेटमेंट हो गए, या इनिशियल वैल्यू होगी, या कंडीशन उसकी टेस्ट स्टेटमेंट होगा, या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी है, फिर आपका कर्ली ब्रैकेट, फिर फॉर लूप, वही यहाँ इनिशियल या जो है प्रारंभिक वैल्यू होगी, या फिर आप कंडीशन होगी टेस्ट होगा, और या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, फिर आप कर्ली ब्रैकेट इस लूप का, इस फॉर लूप का कर्ली ब्रैकेट होगा, इसके अंदर स्टेटमेंट होगा, फिर ये आपका कर्ली ब्रैकेट बंद हो जाएगा, फिर स्टेटमेंट होगा, और फिर आपका कर्ली ब्रैकेट होगा। देखिए आप ये जो कर्ली ब्रैकेट है आपका वो इस फॉर लूप के लिए, इस फॉर लूप के अंदर फिर ये फॉर लूप चलेगा, फिर यहाँ स्टेटमेंट, और फिर आपका कर्ली ब्रैकेट बंद हो जाएगा, फिर स्टेटमेंट है। देखिए ये लूप चलेगा कैसे, जैसे आप इस फॉर लूप के अंदर कंडीशन, यहाँ इनिशियल वैल्यू होगी, फिर कंडीशन लगेगी, और फिर आप इस यहाँ आ जाओगे इसके अंदर, फिर यहाँ इनिशियल वैल्यू होगी, कंडीशन जांच होगी, फिर ये स्टेटमेंट चल जाएगा, ये स्टेटमेंट संपादित हो जाएगा। फिर इसके बाद आपके जो भी है इनिशियल वैल्यू थी उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी होना है वो हो जाएगा, फिर आपका यहाँ आएगा मान, कंडीशन जांच होगी, कंडीशन जांच होगी, इसके बाद आपका अगर अब भी जो एक्सप्रेशन है वो सही है तो आपका स्टेटमेंट चल जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये लूप चलता रहेगा, कब तक, जब तक कि आपकी कंडीशन सही रहती है, टेस्ट यहाँ जांच होती है सही रहेगी, और जैसे ही गलत होगा तो यहाँ से ये लूप बंद हो जाएगा अंदर वाला, फिर ये यहाँ आएगा यहाँ पर, ठीक है। मतलब यहाँ जाने से पहले, वहां जाने से पहले ये स्टेटमेंट चल जाएगा, फिर आपका वापस यहाँ पहुंच जाएगा, और ऐसे ये दोनों लूप चलते रहेंगे, ठीक है। इसे हम कहते हैं नेस्टिंग, नेस्टेड फॉर लूप, यानी आपने लूप के अंदर लूप चलाया, इसे हम नेस्टिंग कहते हैं।